Dear students, I welcome you all to this unit number 5 for part A. We are in the e learning series of the subject information technology for class 10th. This unit number 5 is green skills, and this unit is the last one in the part A that is employability skills. In the previous units, you have learned. Communication skills, self-management skills, ICT skills. And last unit was about entrepreneurship skills, where you have learned a lot of new things and informative things. In this unit, we will be dealing with the environment around us and the things that affect the environment. Because as a person living in this on this earth, we must take care about of our environment also okay so let's get started let's begin with introduction the environment around us affect all aspect of our life and all our day to day activities also affect the environment okay तो जो हमारा पर्यावरण है वो हमारे पर इफेक्ट डालता है हमारे दिन प्रतिदिन की एक्टिविटीज़ पे और हमारी दिन प्रतिदिन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वायरमेंट पे प्रभाव डालती हैं दोज हु लिव इन सिटीज गेट देयर फूड सप्लाई फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस एंड इन टर्न आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट ग्रास लैंड रिवर शीशोर्स फॉर रिसोर्सेज सच एज वाटर फ्यूल वुड फूडर एटसेट्रा वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फूड एवरीथिंग अराउंड अस फॉर्म्स आवर एनवायरमेंट एंड आवर लाइव्स डिपेंड ऑन द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस तो हमारा जो पूरा जीवन है वो प्रकृति के इन तत्वों पर ही आधारित है पानी लकड़ी पौधे पेड़ एटसेट्रा हवा ये सब चीज़ें हमको जीवन प्रदान करती हैं तो हमारा जीवन जो है पूरा इन्हीं पर निर्भर करता है तो हमें इनकी भी केयर करनी चाहिए इनके लिए हमें कुछ करना होगा ओवर द ईयर्स विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पिछले सालों में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है तो उसी के साथ साथ वातावरण में पॉल्यूशन प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है फॉर एग्जाम्पल विद विध द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई इनपुट एग्रीकल्चर वी कैन ग्रो मोर फूड बाई यूजिंग फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स एंड हाइब्रिड क्रॉप्स बट इट हैज़ लेड टू सॉइल एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमने फर्टिलाइजर्स यूज किए पेस्टिसाइड्स यूज किए तो हमारी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स बढ़ी है लेकिन उसके साथ साथ ही उससे सॉयल पॉल्यूशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हुआ है सो वी नीड टू प्लान द यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल मैनर ओके सो दैट वी एंड आवर फ्यूचर जनरेशन कैन एंजॉय गुड इन्वायरमेंट तो हमें रिसोर्सेज का उपयोग जो है एक सही मात्रा में करना होगा जिससे कि हम और आने वाली हमारी पीढ़ियाँ इस इन्वायरमेंट का इस वातावरण का आनंद उठा सके सो दिस सेशन नंबर वन डील्स विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट चिरस्थाई दीर्घजीवी डेवलपमेंट ओके आर वी प्लानिंग प्लांटिंग मोर ट्रीज और आर वी ओनली डिस्ट्रॉइंग देम फॉर आवर यूज क्या हम अपने कार्य के लिए केवल वृक्षों को काट रहे हैं क्या या नए वृक्ष भी लगा रहे हैं आर वी सेविंग द वॉटर रिसोर्सेज और जस्ट पॉल्यूटिंग दैम विद गार्बेज Are we using clean energy or are we burning wood and petrol and adding to the pollution? Are we giving back to nature so that our future generations may thrive or are we simply using the air, water, and soil available without leaving anything for the future generations to come? If the answer to all of these questions is yes, देन वी आर ऑनली थिंकिंग अबाउट अवर इमीडिएट डेवलपमेंट एंड नॉट द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट अगर हम इस अभी ही अपने सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर देंगे और उनको रिचार्ज नहीं करेंगे तो हम केवल एक शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट की ओर देख रहे हैं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब एक दीर्घकालिक विकास की ओर हमारा नज, हमारी नज़र नहीं है क्योंकि ये जल्द ही खत्म हो जाएंगे के okay, तो हमें रिसोर्सेज का यूज तो करना ही है अपने डेवलपमेंट के लिए लेकिन उनको रिचार्ज भी करते रहना है उनको इनरिच भी करते रहना है जिससे कि वो आगे तक लंबा चले। चलें सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द प्रजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन गारंटिंग द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ केयर फॉर द इन्वायरमेंट एंड सोशल वेलबींग तो दीर्घकालिक विकास क्या है चिरस्थायी विकास क्या है कि जिससे कि हम अपनी वर्तमान की जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा करें परंतु हम अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी कुछ छोड़ के जाएँ उसको पूरा ख़त्म न कर दें और एक बैलेंस बना के रखें अपनी ग्रोथ और अपने वातावरण की देखभाल और सामाजिक जो हमारी बीइंग well है उसमें हम एक बैलेंस बना के रखें उसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों बात की जा रही है चिरस्थाई डेवलपमेंट की क्यों हम केवल यही नहीं सोच रहे हैं कि हम अभी अभी का डेवलपमेंट क्यों ना देखें बात की क्यों सोचें देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज यूजिंग अप रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड सो क्विकली दैट अवर फ्यूचर जनरेशन द यंग पीपल ऑफ़ द वर्ल्ड वुड हैव सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हम इतना पॉल्यूट कर चुके हैं अपने इन्वायरमेंट को कि आगे आने वाले जनरेशन को बहुत तकलीफ़ होने वाली है क्योंकि रहना तो इन्वायरमेंट में ही है इसी पृथ्वी पर रहना है तो हमें इस वातावरण को उतना हम पॉल्यूट कर चुके हैं कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा रिलेटेड टू इन्वायरमेंट मच वर्स देन दोज दैट वी आर फेसिंग एट प्रेजेंट जो हम आजकल फेस कर रहे हैं अभी भी हम बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फील करते हैं आपने कई बार देखा होगा दिल्ली और उसके अराउंड सराउंडिंग एरियाज़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना लो हो जाता है कितनी वहाँ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है ठीक है तो ये अभी ये हाल है तो आने वाले समय में ये चीज़ और बढ़ेंगी पॉल्यूशन और बढ़ेगा तो आगे आने वाली पीढ़ी को कितनी तकलीफ होने वाली आप सोच सकते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इनकम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं रोज जैसे जैसे आपके पैसे बढ़ रहे हैं आप ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है दिस हैज लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज तो आप ज्यादा मांग होगी तो उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो नेचुरल रिसोर्स भी ज्यादा खर्च होंगे ठीक है सोसाइटी मस्ट दस चेंज इट्स डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी टू अ न्यू फॉर्म वेथ डेवलपमेंट विल नॉट डिस्ट्रॉय द इन्वायरमेंट तो हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे हम अपने विकास के लिए अपने वातावरण को खत्म न कर दें ठीक है दिस फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन ओनली बी ब्रॉट अबाउट इफ ईच इंडिविजुअल प्रैक्टिस अ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल हम सभी को किसी एक को नहीं सभी को अपने लाइफ स्टाइल में अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे जिससे कि हमारा ये डेवलपमेंट है ये सस्टेन कर सके दीर्घकाल तक लंबे समय तक चल सके सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर स्कैरसिंग देयर फोर केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नेसेसरी सब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक लिमिटेड हैं तो हमें उसका सोच समझ के बड़े बुद्धिमत्ता के साथ उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स ये जो ये एक्चुअल डेफिनेशन है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 की ठीक है ये हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ फार्मिंग आपने अभी देखा कि हम फार्मिंग को बढ़ाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं और हम मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं ठीक है कई सारी प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं सॉइल पॉल्यूशन जैसी तो अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड्स की बात करें तो दो शुड बी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ओके सो दैट द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड और लाइफ स्टॉक्स कैन ग्रो विदाउट डैमेज टू ह्यूमन और नेचुरल सिस्टम ओके तो उनमें हम केमिकल्स का यूज ना करें जिससे कि केमिकल की यूज करने से क्या होगा सॉयल और बायोडाइवर्सिटी एंड वाटर रिसोर्सेज विल बी इफेक्टेड ओके सो दिस विल बी अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके देर आर थ्री मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर वन Related to food the amount of rich fertile land needed to grow crops such as wheat rice etc is becoming less as we are using up more and more land for other purpose आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत पहले जितनी जमीन हुआ करती थी अब उसमें से बहुत कम जमीन जो है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फसल उगाने के लिए यूज होती है बाकी की जमीन और कई कामों के लिए जैसे फैक्ट्री लगाना मकान लगाना और चीजों के लिए यूज की जा रही है सो सॉइल न्यूट्रिय आर आल्सो गेटिंग डिप्लीटेड एंड लॉट्स ऑफ केमिकल्स आर स्पॉइलिंग द सॉइल ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज के कारण आपकी जो सॉयल है मृदा की रूरा क्षमता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है नेक्स्ट इज वाटर वी यूज फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग बट डंप गार्बेज इनटू देम हम नदियों में से पानी ले रहे हैं साफ पानी ले रहे हैं लेकिन हम बदले में उनको क्या दे रहे हैं कूड़ा ओके द रिवर्स एंड पॉइंट्स आर गेटिंग पॉल्यूटेड हमारी जो नदियां हैं वो पॉल्यूट हो रही हैं प्रदूषित हो रही हैं दिस वे आफ्टर सेवरल ईयर्स वी विल हैव नो क्लीन वाटर फॉर आवर यूज तो कुछ सालों बाद हमारे पास साफ पानी नहीं रह जाएगा नेक्स्ट इज थर्ड वन इज फ्यूल वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ वुड फ्रॉम ट्रीज as fuels and for construction of homes and furniture as more and more trees are being cut it is affecting the climate of the place extreme weather conditions such as floods extreme cold or heat are seen in many places which affect the people living there to तो hum पेड़ों को काट के उनको फ्यूल की तरह उनको अपने फर्नीचर बनाने के लिए अपने मकान बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं और ट्रीज़ लगा नहीं रहे हैं प्लांटेशन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से वेदर कंडीशंस जैसे फ्लड्स बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा ठंडा ये देखा जा रहा है और वहाँ के लोगों को ये चीज़ महसूस हो रही है एन एन्वायरमेंट फ्रेंडली वे फॉर प्रोडक्शन ऑफ पावर इज़ यूजिंग सोलर एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम द सन विच इज़ अनलिमिटेड के सोलर एनर्जी इज अनलिमिटेड जब तक सूरज रहेगा तब तक वो एनर्जी रहेगी तो हमें उसकी ओर रुख करना चाहिए वन मेजर एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इस सीन इज चरंका गुजरात सोलर पार्क द बैरन लैंड विथ वाइल्ड वेजिटेशन हैज़ अ मेगा सोलर पावर प्लांट ऑफ 600 मेगावाट तो गुजरात में एक ऐसी ज़मीन पे जो बिल्कुल बंजर थी लेकिन वहाँ पे धूप गर्मी काफ़ी थी सूरज की रोशनी बहुत अच्छी थी तो वहाँ पे भारत सरकार ने एक सोलर प्लांट लगाया जो 600 मेगावाट तक की बिजली बना सकता है दिस हैज रिड्यूज द डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स इन गुजरात अभी मध्य प्रदेश में भी एक सोलर पार्क एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का उद्घाटन किया है तो ऐसे ही हम नेचुरल रिसोर्सेज जो सस्टेन कर सकते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग है उनका यूज करें और अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको बचा के रखें द पीपल ऑफ चारानका हैव बेनिफिटेड एज दे हैव अ गुड सोर्स ऑफ इनकम and this will also help future generation in next 40 50 years to come okay so sustainable development mein kya kya hota hai sabse pehla reducing excessive use of resources and enhancing resource conservation तो प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल को अत्यधिक इस्तेमाल को कम करना और उनको conserve करना उनका संरक्षण करना रिसाइकलिंग एंड री यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है उसको री यूज़ और रिसाइकिल करना साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज स्पेशली बायो रिसोर्सेज जो हमारे जैव संसाधन हैं उनको हम रीन्यूएबल रिन्यू renew कर सकें रिचार्ज कर सकें उसका भी ध्यान रखा जाता है साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ करके एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा कर. और क्या किया जा सकता है ग्रीन ग्रासी पैचे एंड ट्रीज टू बी इंटरस्प्रेट बिटवीन कंक्रीट बिल्डिंग्स तो जो आपके कंक्रीट बिल्डिंग्स हैं मकान हैं उनके बीच में ग्रीन पैचेस घास के छोटे छोटे मैदान या ट्रीज लगा के हम उनका ग्रीन एरिया वहाँ का बढ़ा सकते हैं यूजिंग मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल यूज करें और जो पायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स हों उनको यूज़ करें जो अपने आप विघटित हो जाते हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर एन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो ठीक है ना कि एन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाने वाली हो क्लियर इट इज़ वेरी ईजी बट वेरी इंपॉर्टेंट नाउ वी कम टू द टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के The Sustainable Development Goals, these are called sdg are a आर अ यूनिवर्सल कॉल ऑफ एक्शन टू एंड the प्रोटेक्ट द ensure एंड all people ऑल पीपल and पीस एंड प्रोस्पेरिटी तो हमारे जो चिरस्थायी विकास के जो लक्ष्य हैं वो क्या हैं? ये पूरी दुनिया का एक दुनिया में इसको स्वीकारा गया कि नहीं हमें कुछ ऐसा एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा जिससे कि हम गरीबी को ख़त्म कर सकें अपने प्लानट को बचा सकें और सभी लोग इस धरती का आनंद उठा सकें के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर लॉन्च एट द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन न्यूयॉर्क इन सेप्टेम्बर टू जीरो वन फाइव दो हजार पंद्रह में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की समिट हुई थी उसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्टेब्लिश किए गए थे के फॉर्मिंग द ट्वेंटी थर्टी एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक एजेंडा बनाया गया कि 2030 तक हम इन गोल्स को हमें प्राप्त करना है तो सभी जो यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए जितने भी राष्ट्र हैं वो सभी इसको प्राप्त करने में अपने अपने तरीके से एजेंडा बना के काम कर रहे हैं इट हैज़ सेट टारगेट्स दैट द कंट्रीज वर्क टूवर्ड्स एंड अचीव बाय ट्वेंटी थर्टी तक सभी देशों को ये गोल्स अचीव कर लेने हैं देर आर सेवनटीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दूस आई मेड विद द एम टू टेक केयर ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज फेसिंग बिजनेसिस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी तो आपके बिजनेस आपकी गवर्नमेंट और आपकी सोसाइटी समाज को देखते हुए सत्रह ऐसे गोल्स बनाए गए सम ऑफ दीज इशू आर पॉवर्टी जेंडर इक्वेलिटी वाटर यूज एनर्जी क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी ये कुछ उनमें से बिंदु हैं कंट्रीज़ आर नाउ मेकिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस दैट विल प्रमोट सस्टेनेबल सिस्टम नीडेड इन ऑल इकोनॉमिक सेक्टर्स टू प्रोवाइड अ सिक्योर अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी तो हम केवल विकासवादी होके अपने सारे नेचुरल रिसोर्स को खत्म नहीं कर सकते तो उसके लिए हमें एक प्लान बनाना होगा और कुछ रेगुलेशंस बनाने होंगे कुछ नियम बनाने होंगे कि एक फैक्ट्री इससे ज़्यादा पॉल्यूशन वातावरण को पॉल्यूट ना करे इससे ज़्यादा वो नदियों में अपना कूड़ा जो निकलता है वेस्ट वो ना डाले तो उसके लिए नियम बनाने होंगे तो सभी देश इसके लिए अपने देशों के स्थिति के हिसाब से नियम कानून बना रहे हैं ओके okay? तो आइए जानते हैं कौन से वो सत्रह एस डी जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमारे इस दुनिया को बदलने वाले हैं के सबसे पहला फर्स्ट इज नो पॉवर्टी हमें गरीबी को ख़त्म करना है सेकंड जीरो हंगर कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले चौथा क्वालिटी एजुकेशन सबको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो पाँचवा जेंडर इक्वलिटी ठीक है लिंग भेद ना हो छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सबको साफ पानी और स्वच्छता की प्राप्ति हो सातवां एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी एनर्जी हमको जो मिल रही है ऊर्जा मिल रही है वो क्लीन हो और सभी के लिए वो संभव हो आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत जरूरी है तो सभी सही काम करें डिसेंट काम करें और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करें इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि ग्रोथ के लिए आपको उद्योगों की भी जरूरत है नवाचार दैट इज कॉल्ड इनोवेशन उसकी भी ज़रूरत है और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है आधारगत जो ढांचा है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है अगला है दसवां पॉइंट रिड्यूस्ड इनिक्वालिटीज जो असमानताएं हैं फैली हुई इस विश्व में उनको कम किया जाए धीरे धीरे ग्यारवा सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज ऐसी सिटीज़ बनाई जो हैं जो बहुत लंबे समय तक टिकें और ऐसी सिटीज़ जिसको हम स्मार्ट सिटीज़ कह रहे हैं आजकल जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों और इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाएं बारवा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ये तो सतत प्रक्रिया है लेकिन दिस शुड बी रिस्पॉन्सिबल अत्यधिक दोहन नहीं करना है हमने अपने संसाधनों का तेरवा क्लाइमेट एक्शन हमें अपने मौसम को देखना है कि वो बहुत खराब स्थिति में ना पहुंचे अत्यधिक गर्मी ना हो जाए पृथ्वी में ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको हम कहते हैं चौथा लाइफ बिलो वाटर का भी हमें ध्यान रखना है कि हम उसको वाटर को इतना पॉल्यूट ना कर दें कि वो जो बिलो जलचर जीव हैं उनका वहाँ रहना मुश्किल हो जाए पंद्रहवा पॉइंट लाइफ ऑन लैंड भी हमको सुधारनी है सोलह पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन सबको शांति प्राप्त हो सबको न्याय मिले और सब जितने भी हमारे संस्थाएं हैं वो स्ट्रांग रहें और सत्रवा गोल है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम आपस में कोलेब्रेशन करें पार्टनरशिप करें सो दीज आर द सेवनटीन गोल्स दैट यू शुड रिमेंबर यू शुड नोट डाउन दोज आर फाइनलाइज एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन द यूनाइटेड नेशंस मीटिंग इन टू थाउजेंड फिफ्टीन और लक्ष्य कब तक का है दो हजार तीस का लक्ष्य है तो केवल कितने वर्ष रह गए हैं दस वर्ष रह गए हैं आइए आगे जानते हैं द कोर स्किल्स रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स एनवायरमेंट इंक्लूड एन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड विलिंगनेस टू लर्न अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो जो कोई भी व्यक्ति अपने समाज के लिए अपने इस पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है पहले उसको अपने पर्यावरण के बारे में जागरूक होना पड़ेगा क्या हमारी समस्याएं हैं क्या हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ठीक है ठीके? और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं और इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी उसको जानने की इच्छा होनी चाहिए इफ़ यू आर रिस्पॉन्सिबल अबाउट आवर लाइफ देन वी विल डू आवर बेस्ट एट होम इन स्कूल एंड एट आवर वर्क प्लेस टू हेल्प द इन्वायरमेंट एंड द पीपल अराउंड अस अगर हम जागरूक हैं अगर हम संभ्रांत नागरिक हैं हमें अपनी लाइफ की हमें अपने देश की हमें अपने पर्यावरण की चिंता है तो हम वो सब चीज़ें करेंगे जो हमारे कहाँ कहाँ करेंगे अपने घर पे, अपने स्कूल में और अपने हम जहाँ भी जा रहे हैं अपने ऑफिसज में हम वो सब चीज़ें करेंगे जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट और हमारे चारों ओर का जो प्रकृति है वो बची रहे और वो लंबे समय तक चल पाए ओके? Okay? तो ये आपको ध्यान रखना है नाउ वी विल डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो प्रयास किए जा रहे हैं मैन प्लास्टिक्स वर बैंड बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मैंगलोर एंड इनोवेटर एंड एंटरप्रनोर मिस्टर अवस्थ हेगडे फाउंड एंड इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव तो उन्होंने प्लास्टिक का एक ईको फ्रेंडली अल्टरनेटिव निकाला ही मेड अ हंड्रेड परसेंट बायोडिग्रेडेबल बैग विच कैन डिजॉल्व इन हॉट वाटर एंड डिकम्पोज इन नेचुरल इन्वायरमेंट तो उन्होंने एक ऐसा बैग बनाया जो पूरी तरह से डिग्रेडेबल था जो कि गर्म पानी में घुल जाता था और नेचुरल इन्वायरमेंट में भी वो पूरा डिकम्पोज हो सकता था दिस इज नाउ बींग यूज इन मैनी कंट्रीज एंड इज गोइंग टू हेल्प द इन्वायरमेंट तो ये एक नवाचार है इनोवेशन है अनदर इनोवेटिव आइडिया वॉज टू स्टॉप द यूज ऑफ प्लास्टिक स्पून फोक्स एटसेट्रा नारायणा पिसापति मेड एडिटेबल कल्ट्री कटलरी मेड आउट ऑफ ग्रेन दी स्पून कैन बी ईटन एंड इवन इफ दे आर नॉट ईटन दे विल ईजिली डिकम्पोज इन द सॉइल इन रिचिंग इट तो उन्होंने क्या बनाया प्लास्टिक स्पून की जगह उन्होंने नेचुरल ग्रेन्स से स्पून बनाए जिसको आप खाना खाने के बाद उन स्पून को भी खा सकते हैं अगर नहीं खाएंगे तो आप उनको अगर फेंक भी देंगे जमीन में तो वो जमीन में घुल के उसकी उर्वरा क्षमता को बढ़ाते हैं नेक्स्ट वी हैव सस्टेनेबल प्रोसेस सम प्रैक्टिस सच एज ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्मी कंपोस्टिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर बीइंग यूज्ड टू हेल्प प्रिजर्व आवर इन्वायरमेंट इन चीज़ों की हमको जरूरत है ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्मी कंपोस्ट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्योंकि पानी हमारे पास बहुत कम है तो हम बरसात के पानी को वेस्ट न जाने दें इसलिए आप जितने भी नए प्रोजेक्ट गवर्नमेंट शुरू करती है उन सब में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी कर दी गई है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है वेर फार्मर्स डू नॉट यूज केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन तो जहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होते हैं दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग दे यूज ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स सच एज काउडंग टू हेल्प इन ग्रोइंग क्रॉप्स दिस हेल्प्स इन बेटर क्वालिटी केमिकल फ्री क्रॉप्स वाइल एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द सॉइल क्वालिटी फॉर फ्यूचर यूज दिस इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेयर वी आर नॉट यूजिंग नॉट ओनली यूजिंग द अर्थ रिसोर्सेज बट आर आर ऑल्सो प्रिवेंटिंग इट फॉर प्रिजर्विंग इट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन तो आपने देखा होगा गाँव में पहले से यूज़ होता था कि गाय के गोबर को ही खाद के तौर पर प्रयोग किया जाता है कोई पेस्टिसाइड या ने कैमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं डाले जा सकते तो उससे क्या होता है हमारा डेवलपमेंट भी हो रहा है हमारे क्रॉप्स भी ग्रो हो रही हैं और हमारा वातावरण भी जो है वो संरक्षित रहता है सो विथ दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सेशन फॉर आवर सेल्फ बिकॉज आगे आने वाले समय में आप ही लोगों को इस जीवन इस पर्यावरण में अपना जीवन बिताना है तो इसलिए आपको उसकी संरक्षण आपको इसका संरक्षण रक्षा करनी ही पड़ेगी तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं जो आपने इस सेशन में पढ़े हैं और अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो एक बार पुनः इस सेशन को दोबारा से देखिए आपको ये आंसर्स ज़रूर मिल जाएंगे दो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये आप जानते हैं व्हाई डू यू थिंक द यूनाइटेड नेशंस हैज़ मेड द सेवनटीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसका आंसर भी आप अपनी बुद्धि के अनुसार अपने रीजनेबल स्किल्स का यूज करके दे सकते हैं तो इस सेशन में हमने क्या सीखा वी आर नाउ एबल टू डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वी कैन आइडेंटिफाई द गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन एंड We will be meeting in the next video lesson.